हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारी जो आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और आज हम इस पुस्तक को अंतिम रूप देंगे क्योंकि इसके दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न ही बचे हैं, बाकी सबको हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपका समाप्त कर लिया है। फिर उसके बाद मेरे को आपका सजेशन चाहिए कि मैं कौन सी पुस्तक या कौन सी बुक नेक्स्ट अपनी लगाऊं, ये आप मेरे को बताइए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आपको ध्यान देना है, आपको पढ़ना है, आपको समझना है। किसी प्रकार कोई डाउट बनता है, किसी प्रकार कोई आपका कमेंट बनता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, कोई आपका प्रश्न है? नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप और इसको बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग, और इसमें जो हम लोग आपकी बात कर रहे हैं उन सभी को गौर भी करिएगा, ठीक है? देखिए इन पर जो आपके बात करने के तरीके हैं उसको थोड़ा सा ध्यान। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, ये हमको देखना है कि उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में हमें बात करनी है। उपभोक्ता समूह बनाकर उपभोक्ता एकजुट व्यस्त कर सकते हैं, जो लेख लिखते हैं या व्यापारियों के शोषण खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, यह समूह किसी उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए व्यक्तियों का मार्गदर्शन
करते हैं। क्या है? व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं। और वे उपभोक्ताओं के लिए केस भी लड़ते हैं। ऐसे समूह सार्वजनिक जागरूकता पैदा करते हैं। सार्वजनिक जागरूकता पैदा पैदा करने के लिए पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त एक और सभी की भागीदारी उपभोक्ताओं को एकजुट करने एकजुट और मजबूत करने की। लिखिए, इसको कॉपी करिए। देख लिया बच्चों आपने? लिखिए इसको अच्छे से। देख रहे हैं बच्चों? जल्दी करिए। क्या कह रहा है प्रसन्न? एक बार ध्यान दीजिए थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ने की और सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। उपभोक्ता अपनी एकजुटता को कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं? मेरे जो उपभोक्ता हैं, जो वस्तुओं को खरीद सकते हैं, वो कैसे अपनी एकजुटता दिखा सकते हैं, इसके विषय की हम लोग आपका बात करें। उपभोक्ता समूह बनाकर उपभोक्ता एकजुट व्यक्त कर सकते हैं। क्या बनाकर? एक हम लोग समूह बना लें और उस समूह के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एकजुटता आपकी हम लोग आपका दिखा सकते हैं। हम उसका क्या कर बच्चों कर सकते हैं, हम उसका आपका प्रदर्शन जो है एकजुटता का अपनी का प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरा इसी में आपको ध्यान देना है, जो लेख लिखते हैं या व्यापारी के शोषण के खिलाफ प्रदर्शन करता है, ये समूह किसी उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए व्यक्तियों का मार्गदर्शन करेगा। कोई ऐसा फोरम बना रहे हैं जो उपभोक्ताओं का शोषण कर रहा है, कोई व्यापारी वर्ग है, कोई दुकान है कि सामान किसी प्रकार का लिया है, तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और साथ ही में हम लोग ये भी आपका देख सकते हैं कि क्या आपका किस प्रकार की चीज़ है। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा
ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसी में थोड़ा अगला क्रम चलेंगे हम। बस मैं लास्ट 30 सेकंड आपको दे रहा हूं कॉपी करने के लिए। कर लिया बच्चों? ये देखिए, इसको कॉपी करिए। कर लिया कॉपी बच्चों आपने? देखिए, और ऐसे वे उपभोक्ताओं के लिए भी केस लड़ सकते हैं, ऐसे समूह सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, और एक सभी को भागीदारी उपभोक्ताओं को एकजुट और आपको मजबूत की है। तो इस तरह से ही ये आपका उनको मजबूती देने का भी काम करते हैं, उनकी कोशिश करते हैं कि सारी चीजें आपकी मजबूत बनी रहें, इन सब चीजों को देख रहे हैं। देख लिए बच्चों? आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर देखिए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा। भारत में उपभोक्ता बहुत हद तक विकसित हुआ है, जब से यह शुरू हुआ है, देश में उपभोक्ता जागरूकता में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, वर्ष 1986 में कोपरा के अधिनियम होने तक उपभोक्ता
आंदोलन को अधिक बल नहीं मिला। लेकिन इसकी स्थापना के बाद में आंदोलन को काफी हद तक सशक्त बनाया गया है। उपभोक्ता अदालतों और समूहों की स्थापना एक प्रगतिशील कदम है। हालांकि समकालीन भारत में उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया काफी जटिल महंगी और समय लेने वाली है। इसको सरल बनाने की आवश्यकता है। ताकि कोई भी उपभोक्ता शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का में संकोच ना करें।
लिखिए। कॉपी करिए इसे। हुआ पेज कॉपी। बच्चों 3-4 पेज हैं, जल्दी जल्दी आपका कॉपी करिए। कर लिया बच्चों ये पेज, इसको कॉपी करिए। चलिए लास्ट 30 सेकेंड। चलिए जल्दी करिए लास्ट। ये पेज है, स्कोर कॉपी का। तो बच्चों आज हमने अपनी ये पुस्तक, ये पूरा चैप्टर उपभोक्ता अधिकार पूरा अच्छे से समाप्त कर लिया। अब नेक्स्ट बुक के लिए आप मेरे को सजेशन करिए मैं क्या पढ़ाऊं, फिर उसी के साथ मैं चीजों को करूंगा। मुझे आपकी क्वेरी का, आपके सजेशन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। आप इन सबको रिविजन करिए। धन्यवाद।